हेलो एवरीवन, बेटा टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट रीडिंग ऑफ आवर चैप्टर नंबर 5, दैट इज़ व्हाट स्ट्रेंज क्रिएचर्स। अब बेटा जो चैप्टर नंबर 5 है, इसमें हम अलग अलग तरह के क्रिएचर्स के बारे में, क्रिएचर्स जैसे जीव जंतु, उनके बारे में जानेंगे। देखो जैसे आप क्रिएचर्स में आप किन किन को जानते हो, जैसे बर्ड्स हो गए, डिफरेंट बर्ड्स को आपको पता है कि कौन कौन से बर्ड्स हैं, डिफरेंट एनिमल्स के बारे में आपको पता है। तो आज हम कुछ ऐसे ही स्ट्रेंज जो विचित्र होते हैं, जिनमें कुछ अलग सी खासियत होती है, उनके बारे में जानेंगे। अब इसको करने से पहले, सबसे पहले आपको ये जो एक चेकबॉक्स दे रखा है, ये आपको कंप्लीट करना है। इसमें क्या पूछा गया है कि क्या आपने विच ऑफ दीज एनिमल्स एंड बर्ड्स हैव यू नॉट हर्ड और सीन, आपने इनमें से कौन से एनिमल्स या बर्ड को के बारे में नहीं सुना है और ना ही देखा है, जैसे ककपू, कीवी, पॉर्क्यूपाइन, डुगोंग, प्लैटिपस और कुकबुरा। तो आपको इनमें से जिनके बारे में नहीं सुना है उसके आगे आपको क्या करना है, टिक लगाना है। तो ये छोटी सी एक्टिविटी है जो आपको करना है, ठीक है। और इस चैप्टर में मेनली हम क्या समझेंगे कि हर एक एनिमल, एवरी एनिमल बर्ड एंड प्लांट इज स्पेशल इन इट्स ओन वे, कि हर एनिमल बर्ड और प्लांट में कुछ ना कुछ खासियत होती है, ठीक है। तो अब हम जो चैप्टर है उसको रीड करना स्टार्ट करेंगे। तो देखो बेटा, सबसे पहले ऊपर आपको क्या दिया हुआ है चैप्टर के, कि Let us read about some creatures that we have seen only in pictures. तो हम क्या कहते हैं कि चलो हम इन कुछ creatures के बारे में, जिन जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं जिनके लिए हम, जिनकी हमने सिर्फ pictures देखी है। तो बेटा देखो, एक तो आपको ये फिश दिखाई दी है, देखो थोड़ी अलग सी यूनिक सी फिश है ना आपकी, कुछ हटके है। देखो इसके टीथ भी दिखाई दे रहे हैं आपको। तो एक ये फिश दिखाई दी पिक्चर्स में दिखाई गई है। एक ये आपको देखो थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा होगा देखने में, आउल जैसा भी है, उल्लू जैसा भी है और कलर ऐसा है कि ग्रीन पैरट जैसा भी लग रहा है। इसी के साथ आप आगे देखोगे तो ये देखो एक प्लांट है, और ये प्लांट कैसे, जैसे इसमें एक मटके की शेप बनी हो, आपको पिक्चर पता है ना, एक मटका होता है जिसमें आप पानी भरते हैं, उसकी शेप बनी हुई है, तो इस तरह का प्लांट है। तो अब हम इन सब के स्पेशलिटी जानते हैं कि इन सब में खासियत क्या है, ऐसा क्या है कि जो आज हम इनके बारे में सीखने वाले हैं, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट रीडिंग। तो बेटा देखो, You may think you have seen and learnt about all animals and birds around you. आप क्या कहते हैं कि शायद आपको ऐसा लगता हो, आप ऐसा सोचते हो कि आपने जितने भी एनिमल्स और बर्ड्स हैं आपके आसपास, उनके उनको आपने सबको देख लिया है और उनके बारे में आप जानते हैं। But you will be surprised to know that the living world consists of a variety of creatures, animals, birds, insects and plants that you have not even heard about, ठीक है। तो अभी इसको मैं आपको मतलब थोड़ा ब्रेक करके, क्योंकि सेंटेंस बड़ा है तो ब्रेक करके आपको मीनिंग बताती हूँ। तो इसे क्या कहा है, बट यू विल बी सरप्राइज, के लिए लिविंग वर्ल्ड है कंसिस्ट ऑफ अ वराइटी ऑफ क्रिएचर्स, कि इस वर्ल्ड में बहुत तरह के मतलब वराइटी मतलब अलग अलग प्रकार के क्रिएचर्स रहते हैं। कौन से, जैसे जानवर, बर्ड्स, पक्षी, इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े एंड प्लांट्स, और प्लांट्स ऐसे बहुत सारे तरह के एनिमल्स रहते हैं, बहुत अलग अलग तरह के बर्ड्स, इंसेक्ट्स और प्लांट्स भी मिलेंगे आपको। और ये कौन से मिलेंगे, दैट यू हैव नॉट इवन हर्ड अबाउट, और शायद इनमें से बहुत सारे ऐसे होंगे कि शायद आपने उनके बारे में सुना भी ना हो। Many of these creatures have features so strange that they would seem unreal to us. कि क्या कह रहे हैं, इनमें से बहुत सारे creatures के, जीव जंतुओं के ऐसे features होंगे, मतलब उनमें ऐसी खासियत होंगी, वो इतनी ज़्यादा strange होंगी, अजीब होंगी कि आपने कभी अब भरोसा भी नहीं करोगे कि वो सच में ऐसा हो सकता है। Let us take a look at some of them. कि चलो इनमें से कुछ के बारे में हम जानते हैं, ठीक है। तो अभी तक तो इस पैराग्राफ में आपको क्या बताया, एक बेसिक बात बताई गई कि आपको अभी ये लगता होगा कि आप अपने आसपास जितने भी जानवर और बर्ड्स हैं उनके बारे में जानते हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे जानवर, बर्ड्स, प्लांट्स, इंसेक्ट्स ऐसे हैं जिनके बारे में आपने शायद सुना ही ना हो, और उनकी इतनी अजीब व गरीब उनके अंदर फीचर्स होते हैं कि वो आपको ऐसे लगेंगे कि ऐसा सच में हो भी नहीं सकता, इस तरह के तो जानवर या जो क्रिएचर्स हैं वो होने पॉसिबल ही नहीं है। तो अब हम इनके बारे में वन बाय वन पढ़ते हैं। तो जो सबसे पहले पढ़ेंगे वो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, फ़िश के बारे में पढ़ रहे हैं। कौन सी फ़िश, जो हमें यहाँ पिक्चर में दी गई है ना, ये वाली जो फ़िश है, ये फ़िश, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस फ़िश का नाम क्या है, पाकू फ़िश,
क्या है, पाकू फिश। तो क्या कह रहे हैं, द पाकू फिश आर सिमिलर टू पिरानाज। जो पाकू फिश होती हैं ये देखने में तो कैसी लगती हैं, जो पिराना होती हैं उनकी जैसी ही लगती हैं। देखो पिराना जो फिश है उनकी आपने शायद मूवीज़ में भी देखा होगा, कुछ मूवीज़ में पिराना के बारे में बताया जाता है, ठीक है। तो पिराना फिश जैसी ही लगती हैं ये देखने में पाकू फिश, बट बिगर इन साइज, लेकिन ये पिराना से भी बड़ी होती हैं। और कहाँ पाई जाती हैं, द पाकू फिश आर फाउंड इन द रिवर्स ऑफ साउथ अमेरिका। जो पाकू फिश है वो साउथ अमेरिका की नदियों में पाई जाती है, और ख़ासकर मेनली मतलब साउथ अमेरिका की नदियाँ जो कौन से एरिया में पड़ती हैं, कौन सी जगह पे पड़ती हैं, पापुआ न्यू गिनिया, ये जगह का नाम है पापुआ न्यू गिनिया, वहाँ की नदियों में आपको मेनली जो ये पाकू फिश मिलती है। अब इनकी खासियत क्या है वो देखते हैं। दीज फिश हैव अ ह्यूज सेट ऑफ टीथ, कि जो ये फिश होते हैं इनके बहुत बड़े बड़े सेट होते हैं दांतों के, देखो कितने दांत हैं इनके, दैट रिजेंबल ह्यूमन टीथ। और इनके दांत कैसे लगते हैं, इंसानों के दांतों जैसे लगते हैं, ठीक है। देखो आपको भी अपने जैसे टीथ दिखाई देते हैं ऐसे इनके टीथ दिखाई दे रहे हैं ना यहाँ पे पिक्चर में, देखो आप एक बार, तो सेम उसी तरह से ये जैसे कैसे लग रहे हैं, जैसे ह्यूमन इंसानों के दांत होते हैं उसी तरह से पाकू फिश के भी टीथ दिखाई देते हैं, विच मेक्स देम पिकुलियर। और यही दांत, इन दांतों के कारण ही जो ये पाकू फिश है ये थोड़ी सी अजीब लगती है। पिकुलियर का मतलब क्या होता है, अजीब यानी स्ट्रेंज, अजीब लगती हैं ये। अभी खाती क्या हैं, दे फीड ऑन नट्स एंड सीड्स। अभी क्या खाती हैं, नट्स और सीड्स, बीज को खाती हैं, ठीक है। तो इस तरह की ये चीज़ें खाती हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, ये तो हमने पढ़ा पाकू फिश के बारे में, अब जो नेक्स्ट फिश है वो कौन सी है, ब्लॉब फिश। कौन सी फिश, ब्लॉब फिश। द ब्लॉब फिश आर फाउंड इन द डीप वाटर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, कि जो ब्लॉब फिश है वो ऑस्ट्रेलिया के गहरे पानी में पाई जाती हैं। दे हैव जेली लाइक फ्लैश एंड फ्लोट ऑन दी वाटर। अब इनकी जो मास होता है, फ्लैश होता है, वो कैसा होता है, जेली लाइक। जेली आप खाते हैं ना तो कैसे वो थोड़ा सा सॉफ्ट सॉफ्ट सा, और वो थोड़ा सा अजीब जैसे आपके हाथ से कभी पानी के ऊपर तैरती है, मतलब पानी के अंदर नहीं, पानी के ऊपर, जैसे आप मान लो कोई छोटी चीज़, हल्की चीज़ डालते हो, फॉर एग्जांपल अगर आपने बॉल डाला तो बॉल पानी के अंदर डूबती नहीं है ना, वो पानी के लेयर के ऊपर ऊपर तैरती रहती है। तो इसी तरह से जो ब्लॉब फिश है ये भी पानी के ऊपर तैरती है, बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट बॉडीज़। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनका जो शरीर है वो बहुत ज़्यादा हल्का होता है, तो ये पानी के ऊपर ही रहती है। एंड डू नॉट स्विम, और स्विम भी नहीं करती है, तैरती भी नहीं है। द वेट ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर, वो पानी की सतह पे वेट करती है। एंड स्वेलो फूड दैट फ्लोट्स टूवर्ड्स देम, और वो भोजन को निगल जाती है, स्वेलो मतलब निगल जाती हैं, जो भी भोजन उनके आसपास आता है, मतलब जो भी खाने की चीज़ जो ये ब्लॉब फिश है इसके पास पहुँचेगी उसको वो खा लेते हैं, मतलब स्विम करके वो कहीं नहीं जाती, जहाँ पे हैं वो फ्लोट करती रहेंगी, और फिर वो उसको क्या करती हैं, जो भी खाने की चीज़ आती है उसको स्वेलो निगल जाती है। अब ये तो पढ़ा हमने फ़िश के बारे में, अब हम कुछ और चीज़ों के बारे में जानते हैं। यू हैव सीन पांडास, आपने पांडास तो देखे हैं ना, फोटोज़ में भी देखे होंगे, पांडा तो आपने सब ने देखे होंगे कि पांडा कैसे होते हैं। एंड हैव यू हैव सीन आंट्स, और आपने चींटियाँ भी देखी हैं। देखो पांडा भी देखे हैं आपने, चींटियाँ भी देखी हैं, लेकिन अब एक अलग तरह की चींटियों के बारे में बताएंगे। बट हैव यू एवर हर्ड अबाउट दी पांडा आंट, क्या कभी आपने जो पांडा चींटी होती है उसके बारे में जाना है? तो देखो पांडा चींटी कैसी होती है, दे आर विंगलेस, उनके पंख नहीं, तो विंगलेस वास्प, वास्प क्या होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, जिनकी ब्लैक और येलो कलर की स्किन होती है इनकी, ठीक है। इनका कलर कैसा होता है, ब्लैक और येलो, और ये कैसे होते हैं, विंगलेस होते हैं, इनके पंख नहीं होते। फाउंड इन चिले, कहाँ पाए जाते हैं ये, चिले में पाए जाते हैं। द लिटल इंसेक्ट्स गेट देयर नेम फ्रॉम देयर ब्लैक एंड वाइट पांडा लाइक अपीयरेंस। अब जो ये जो लिटिल इंसेक्ट हैं, जो पांडा आंट हैं, इनका नाम कैसे मिला है इनको, क्योंकि जो इनकी स्किन है ये कैसे दिखते हैं, अपीयरेंस मतलब दिखाई देना, कैसे दिखाई देते हैं, ब्लैक और वाइट कलर होता है इनका पांडा जैसा ही, तो इस तरह से इनको क्या नाम मिला, पांडा आंट। However, these wasps are known for their painful sting. Sting होता है डंक, जैसे जब ये काटती है ना तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो ये ज़्यादा फेमस किस लिए हैं कि पांडा आंट काट लेते हैं तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं द काकापू, अब देखो काकापू के बारे में जानते हैं। काकापू क्या है, ऑल्सो कॉल्ड दी आउल पैरट, अब इसको हम क्या कहते हैं, आउल पैरट। देखो जो ये है आउल भी है और पैरट जैसा भी दिखता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, काकापू।
इज़ अ फ्लाइटलेस बर्ड, अब ये क्या है, उड़ नहीं सकता, विच इज़ फाउंड इन न्यूजीलैंड, और ये कहाँ पाया जाता है, न्यूजीलैंड में पाया जाता है। दिस बर्ड इज़ ऑल्सो सेड टू बी द हैवीएस्ट ऑफ ऑल पैरट्स, और जितने भी पैरट होते हैं, जितने भी तोते होते हैं, उनमें सबसे हैवी, सबसे भारी तोता होता है ये। इट इज़ नॉक्टर्नल और नाइट और अ नाइट बर्ड, अब ये क्या है, जो देखो इसका नाम भी आउल बर्ड है, और आउल्स आपको पता है रात को निकलते हैं, तो रात को निकलने वाले बर्ड्स को हम क्या कहते हैं, नॉक्टर्नल बर्ड, ठीक है। तो इसी वजह से इस जो ये बर्ड है काकापू, इसको हम क्या कहते हैं, नॉक्टर्नल बर्ड भी कहते हैं या नाइट बर्ड भी कहते हैं, जो रात को निकलते हैं। इट इज़ अ रेयर बर्ड, ये बहुत रेयर है, मतलब बहुत कम मिलते हैं ये, एंड इज़ ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट, और एक्सटिंक्ट मतलब ख़त्म होने वाले, मतलब अब ये बिल्कुल कम रह गए हैं, तो ये कभी भी ख़त्म हो सकते हैं, मतलब ये हमें देखने को भी नहीं मिलेंगे। इट कैन बी फाउंड ओनली ऑन 3 islands इन द वर्ल्ड, अब ये काकापू कहाँ मिल सकते हैं, सिर्फ 3 islands पे मिलते हैं। आइलैंड क्या होता है बेटा, वो एरिया लैंड का जो चारों तरफ से किससे घिरा हुआ हो, समुद्र से, पानी से घिरा हो, तो उस एरिया को हम क्या कहते हैं, आइलैंड बोलते हैं। इसको आइसलैंड नहीं बोलेंगे बेटा, या इजलैंड नहीं बोलेंगे, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, आइलैंड। तो क्या कहते हैं कि ये सिर्फ 3 islands पे मिलता है पूरी दुनिया में, तो ये कभी भी अब जैसे एक्सटिंक्ट होने वाला है। मटके जैसी, तो रेयर बहुत कम पाया जाता है, और कैसा, इज अ कार्निवोरियस प्लांट, मांस खाता है, ये मांसाहारी प्लांट है। इट इज़ बिलीव टू बी द वर्ल्ड्स बिगेस्ट मीट ईटिंग प्लांट, और ये माना जाता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा मीट ईटिंग प्लांट है, यानी मांस खाता है ये। अभी क्या खाता है देखो, इट कैन इवन ईट रैट्स, ये प्लांट रैट्स को भी खा सकता है, चूहों को भी खा सकता है। इट इज़ नेम्ड द पिचर प्लांट बिकॉज ऑफ इट्स अपियरेंस, अब इसका नाम पिचर प्लांट क्यों पड़ा, जिस तरीके से दिखाई देता है, अपियरेंस जैसा ये दिखाई देता है, उसके कारण इसका नाम पिचर प्लांट पड़ा। अब एक और प्लांट के बारे में जानते हैं, दी डांसिंग प्लांट, डांसिंग प्लांट यानी जो डांस करता है, जो घूमता रहता है, तो इसके बारे में जानते हैं डांसिंग प्लांट क्या है और कहाँ पाया जाता है। डांसिंग प्लांट विच इज़ फाउंड इन बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, चाइना एंड मलेशिया, ये डांसिंग प्लांट कहाँ पाया जाता है, बांग्लादेश में, भूटान में, इंडिया, चाइना और मलेशिया में पाया जाता है। हैज स्मॉल लीव्स, इसके छोटे छोटे पेड़ पत्ते होते हैं, एंड बियर स्मॉल पर्पल फ्लावर्स, और क्या होता है, इसमें छोटे छोटे पर्पल कलर के फूल भी लगते हैं। द लीव्स ऑफ द प्लांट मूव एट अ रैपिड स्पीड टू रिसीव सनलाइट, अब जो पत्ते होते हैं इस प्लांट की बहुत जल्दी जल्दी घूमते हैं ताकि इनको सनलाइट, सूरज की रोशनी मिल सके। इट इज़ दिस मूवमेंट दैट इट गेट्स इट्स नेम फ्रॉम, और ये जो जल्दी जल्दी ऐसे पत्ते घूमते रहते हैं उसके कारण ही इसका नाम क्या पड़ा, डांसिंग प्लांट। तो देखा बेटा, आज हमने कितने स्ट्रेंज क्रिएचर्स के बारे में पढ़ा, कौन कौन से, हमने पिचर प्लांट के बारे में पढ़ा, हमने डांसिंग प्लांट के बारे में पढ़ा, हमने पांडा आंट के बारे में पढ़ा, हमने काकापू के बारे में पढ़ा, हमने पाकू फिश के बारे में पढ़ा, ब्लॉब फिश के बारे में पढ़ा। तो कितने स्ट्रेंज एनिमल्स हैं और क्रिएचर्स हैं हमारे आसपास जो हमने आज तक कभी सुने भी नहीं थे। तो होप आपको ये जो चैप्टर है बहुत अच्छा लगा होगा, और अब आप इसको खुद से भी रीड करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।